Hi, my name is Shomang Ghosh. Welcome to my series of auditions. In this episode, I will try to interpret the very famous scene from Mohabbatein. This is the final showdown between Raj Aryan and Narayan Shankar. This is the scene which won the best scene of the year in the Filmfare, the year 2000. So this is my interpretation of the same scene, SRK's monologue. माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे सर, और आप आज भी हार गए। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर कि मैं गुरुकुल वापस क्यों आया? किसके लिए? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो तो अब इस दुनिया में है नहीं। ये समीर, विकी, करण कौन है मेरे? मैं तो इनको जानता तक नहीं था। मैं तो यहां पर किसी को नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं वापस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूं। मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी कि मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, ऊपर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम। बस मैं वो सख्ती तोड़ने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहां पर भी मोहब्बत होती है वहां मुझे मेघा दिखाई देती है। और मैं सोचता था कि अगर मैं आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूं, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दे जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है, तो शायद आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, मैं आपको मोहब्बत दिखाने आया था। मैं आया था क्योंकि एक बात मैं समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, पर आप अभी तक यह समझ नहीं पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी है। हम दोनों का साथ ही उसे पूरा कर सकता है। मैं वो पूरा करने आया था मिस्टर शंकर, जो आप उसके जीते जी ना कर सके। मैं मेघा को पूरा करने आया था। मैं मेघा को पूरा करने आया था। अब जिंदगी के हर जंग जीतते चले गए, पर जिंदगी के सारे सहारे हारते चले आए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे हैं। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप सब कुछ हार गए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे एक बदनसीब जिद्दी इंसान दिख रहा है, जो खड़ा है पीट करके उन दो लोगों की तरफ जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माफ कीजिएगा सर।